भारतीय राजनीति में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। इससे हम अच्छी तरह वाकिफ हैं कि मनमोहन सिंह ने कैसे आर्थिक संकट से जूझ रहे भारत को न सिर्फ उबारा था बल्कि देश में आर्थिक स्थिति को एक नई रफ्तार दी थी। मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के एक गांव में हुआ था। डॉक्टर सिंह ने वर्ष 1948 में पंजाब विश्वविद्यालय से मैट्रिक की शिक्षा पूरी की। उसके बाद उन्होंने अपनी आगे की शिक्षा ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से प्राप्त की। 1957 में उन्होंने अर्थशास्त्र में प्रथम श्रेणी से ऑनर की डिग्री अर्जित की। इसके बाद 1962 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के न्यूफील्ड कॉलेज से अर्थशास्त्र में डीफिल किया। पंजाब विश्वविद्यालय और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में डॉक्टर सिंह ने शिक्षक के रूप में कार्य किया, जो उनकी अकादमिक श्रेष्ठता दिखाता है। बीबीसी की एक खबर के अनुसार जब नरसिम्हा राव 1991 में प्रधानमंत्री बने तो वो कई चीजों के विशेषज्ञ बन चुके थे। स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रालय वो पहले से ही देख चुके थे। वो भारत के विदेश मंत्री भी रह चुके थे। एक ही विभाग में उनका हाथ तंग था, वो था वित्त मंत्रालय। प्रधानमंत्री बनने से दो दिन पहले कैबिनेट सचिव नरेश चंद्रा ने उन्हें 8 पेज का एक नोट दिया था, जिसमें बताया गया था कि भारत की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, लिहाजा तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को एक चेहरा या मुखौटा चाहिए था जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और उनके घरेलू विरोधियों को संभल बांध सके कि भारत अब पुराने ढर्रे से नहीं चलेगा। उन्होंने उस समय के अपने सबसे बड़े सलाहकार पीसी अलेक्जेंडर से पूछा कि क्या आप वित्त मंत्री के लिए ऐसे शख्स का नाम सुझा सकते हैं जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार्यता हो। अलेक्जेंडर ने उन्हें रिजर्व बैंक के गवर्नर रह चुके और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक आईजी पटेल का नाम सुझाया, लेकिन आईजी पटेल दिल्ली आना नहीं चाहते थे क्योंकि उनकी माँ बीमार थी और वो वडोदरा में रह रहे थे। फिर अलेक्जेंडर ने ही मनमोहन सिंह का नाम लिया। अलेक्जेंडर ने शपथ ग्रहण समारोह से एक दिन पहले मनमोहन सिंह को फोन किया। उस समय वो सो रहे थे क्योंकि कुछ घंटे पहले ही विदेश से लौटे थे। जब उन्हें उठाकर इस प्रस्ताव के बारे में बताया गया तो उन्होंने इस पर विश्वास नहीं किया। अगले दिन शपथ ग्रहण समारोह से 3 घंटे पहले मनमोहन सिंह के पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दफ्तर में नरसिम्हा राव का फोन आया कि मैं आपको अपना वित्त मंत्री बनाना चाहता हूँ। नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने के दौरान देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि शपथ ग्रहण समारोह से पहले नरसिम्हा राव को मनमोहन सिंह से ये कहना पड़ा कि अगर हम सफल होते हैं तो हम दोनों को इसका श्रेय मिलेगा, लेकिन अगर हमारे हाथ असफलता लगती है तो आपको जाना पड़ेगा। आखिरकार 1991 के बजट से 2 हफ्ते पहले जब मनमोहन सिंह बजट का मसौदा लेकर नरसिम्हा राव के पास गए तो उन्होंने उसे सिरे से खारिज कर दिया। उनके मुंह से निकला, अगर मुझे यही चाहिए था तो मैंने आपको क्यों चुना। अपने पहले बजट में मनमोहन सिंह ने विक्टर ह्यूगो की उस मशहूर लाइन का जिक्र किया था कि दुनिया की कोई ताकत उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ पहुंचा है। उन्होंने अपने बजट भाषण में राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और नेहरू का बार बार नाम जरूर लिया, लेकिन उनकी आर्थिक नीतियों को पलटने में वो जरा भी नहीं हिचके। कुछ ही वर्षों में मनमोहन सिंह ने ये साबित कर दिया कि वो न सिर्फ एक अच्छे अर्थशास्त्री हैं, बल्कि देश को कैसे रफ्तार दी जा सकती है।